हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इसका स्टडी। चलिए शुरू करते हैं 98 क्वेश्चन से। फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करता है? तो ये होता है आपका पेनाल्टी किक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार निम्न में से किसने किया? तो ये किया था आपका जेम्स ए नाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1891 में जो है किया गया था और अमेरिका में हुआ है ये। इसको कई बार हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है। चलिए, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 1947, जो है फेडरेशन का गठन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन 1947 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था, और जो है 1954 ईस्वी में वॉलीबॉल को पैन अमेरिकन खेलों में जो है सम्मिलित किया गया था ताकि पुरुष और महिलाओं दोनों ही वॉलीबॉल प्रतियोगिता में समान रूप से भाग ले सके। तो यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन इसमें नहीं था, तो ये आपका इसको व्यापम ने काटा था। आगे चलते हैं, बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अभी आप लोग जानते होंगे ने कटक में अभी जस्ट यहाँ क्या हुआ था आपके, बाराबत्ती स्टेडियम जो है कटक उड़ीसा में है और यही हॉकी का जो है अभी जो है मैच हुआ था, इंटरनेशनल मैच। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? तो ये है आपके वैरन पियरे डी कुबर्टिन। तो ये कुबर्टिन ही एक शख्सियत, बहुत ही अच्छी शख्सियत है। चलिए इसके बारे में बाद में देखेंगे। फ्रांसीसी भाषाविद एवं समाजशास्त्री वैरन पियरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनः प्रारंभ करने का श्रेय जाता है और 4 से 15 अप्रैल 1896 तक प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस यूनान की राजधानी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त जो है हमारे देश में मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो होता है आपको कितना होता है, ये 6 अप्रैल, ठीक है, 1800 जो है उसके उसी दिन 1896 के दिन ये मिला था आपका एथेंस को आज़ादी, तो शायद उसी लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको एक बार और देख लीजिएगा। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब है? तो ये है आपका मोहन बगान। ठीक है, अगर जैसे ये ऑप्शन नहीं रहता तो उसके बाद में डलहौजी क्लब है, ठीक है, लेकिन ये सबसे पुराना हो जाएगा आपका मोहन बगान। भारत में फुटबॉल क्रिकेट के पश्चात दूसरे नंबर का प्रसिद्ध खेल है। भारत में फुटबॉल का प्रसार ब्रिटिश साम्राज्य के समय में हुआ था। मोहन बगान एथलेटिक क्लब जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है और एशिया के सबसे पुराने क्लब एक है, भारत का दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल क्लब है। आगे बढ़ते हैं, इस टर्न कहाँ पर होता है? तो इसका अभी कई बार आ चुका है आपका, स्टर्नम कहाँ होता है, ये वक्ष यानी कि आपके यहाँ सीने छाती में होता है, ठीक है, जो रिब्स होते हैं आप उसके जो सेंटर है वो आपका स्टर्नम कहलाता है, ठीक है, वो सेंटर पॉइंट। आगे क्वेश्चन दो है, निम्न में से वॉल्ट स्पर्धा में सॉरी के लिए रनवे धावन पथ की लंबाई होती है? तो ये होता है आपका 20 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 या 18 मीटर से 20 मीटर होता है ना, तो ये सही होगा। 13 टीमों के नॉकआउट फिक्सचर में ऊपर के हाफ में कितने टीमें जो है टीमें रहेंगी? तो इनका जो उत्तर है आपका 7 रहेंगे। अब क्यों रहेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है आपको मैं बता दूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने नोट किया है अभी जस्ट, ये हो गया n+1 जो ऊपर हाफ के लिए होता है n, तो नंबर ऑफ टीम कितना है 13 में 1+ कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 14, 14/2 है तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 आ गया आपको ऊपर हाफ के लिए। नीचे हाफ के लिए निकालते हैं n-1, तो ये कितना हो जाएगा 13 में 1 माइनस कर देंगे 12, 12/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे निकालने के लिए होता है तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, तो 7 6 13 हो गया। तो इस टाइप से ये आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन देखेंगे,
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो ये होता है दोस्तों आपके फेफड़ों में होता है। तो चलिए नीचे ऊपर से देखते हैं, यहाँ पर है फेफड़ों में। और निम्न में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो सबसे लंबी और भारी हड्डी जो होती है आपका फोर फीमर जो है लंबी होती है और भारी होती है, ठीक है। लेकिन सबसे मजबूत जो है एक पिछले वाला पार्ट में आप लोग देखे होंगे कि सबसे और स्टेपीज सबसे छोटी होती है और हल्की होती है। धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका है अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय और जो है अभिकेंद्रीय बल दो, ये इसके बारे में आप लोग को मैं थोड़ा से बताना चाहूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो जो है यहाँ पर एक पॉइंट है, मान के चलिए अब एक पॉइंट से हम रस्सी घुमाते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए जैसे आप रस्सी घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर एक जैसे लोहा है, जैसे हैमर थ्रो में होता है, ठीक है। तो लोहे का यहाँ पर बंधा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे कि बल लग रहा है, यहाँ पर सर्कल जो घुमा रहे हैं, तो बाहर में जब बल लगता है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर बाहर में लगने पर अपकेंद्रीय बल होता है। और फिर वो क्या होता है आपका, जैसे अगर ये मुड़ के आपके जो फोर्स यहाँ पर फोर्स लगता है बीच में, तो अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक और दो, ठीक है। तो 10 मीटर एयर राइफल या 10 मीटर डबल ट्रैप। तो ये 10 मीटर एयर राइफल में था, पहले से टिक कट आया, सॉरी। तो ये आंसर है आपका ए, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है तो ये बैक पास से होता है। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है? तो सर्किट ट्रेनिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4x100 मीटर रिले दौड़ में किसी टीम के जो है एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है, तत्पश्चात अन्य टीम का जो है एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है, तो क्या निर्णय दिया जाएगा उसको? आउट दिया जाएगा, दूसरा दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट करेंगे, ठीक है। एक बार ही चेतावनी दिया जाता है पूर्ण रूप से, उसके बाद कोई भी टीम करे रहे पहले में, ये याद रखेंगे। वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? तो ये होता है आपका 60 सेकंड का, मतलब 1 मिनट का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु क्या है? तो जो है रेक्टस फीमरस होता है। हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं, चैम्बर को सबसे ऊपरी वाले जो है आलिंद कहते हैं, चार पार्ट में होता है। आलिंद और निलय दो नाम है इसके, तो इसको देख लीजिएगा, इजी है वैसे, सभी जानते होंगे। रक्त का कार्य है, तो ये है आपका, इनमें से दोनों है जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है? तो कुल वायु क्षमता 6 to 8 लीटर, ठीक है, यानी 6,000 से जो है 8,000 मिलीलीटर, ठीक है। स्टीपल कहेंगे, स्टीपल चेस दौड़ की मानक दूरी होती है, तो इसकी मानक दूरी क्या हो गया? 3,000, ये पुरुष के लिए हो गया। जो है महिलाओं का भी आजकल होने लग गया है, तो ये 2,000 भी होता है, कि जूनियर कैटेगरी में आजकल स्कूल लेवल में 1500 मीटर का भी होता है। तो ये सभी है, तो स्टैंडर्ड जो है यही है जो है चेस का मानक दूरी है। अब बधाएं तो जानते ही होंगे, 28 बधाएं और 7 जलकूदें होती हैं, लेकिन जो एक ही जलकूद होता है उसमें 7 बार जंप होता है, और 4 बधाएं लगी होती हैं उसमें 7 चक्कर में 7 चौक 28 बार जंप करते हैं। इसका एक अलग से वीडियो बना है पूरा पूरा स्टीपल चेस का, देख लीजिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का। क्रिकेट की सॉरी पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है आपका 9 फीट, ठीक है। ये 9 फीट मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है क्योंकि ये 10 फीट होता है आई थिंक,
मेरे ख्याल से जहाँ तक है, देख लीजिए इसको एक बार गूगल में, चेक करूँगा। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी प्ले इन में होते हैं, बट टोटल जो होते हैं 16। अभी जो 16 है वो आपके बढ़ के क्या हो गया है, आपकी 18 हो गए हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ये पहले 16 हुआ करता था, अभी 18 हो गया है। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में भी ये 16 खिलाड़ी हैं, ठीक है। प्ले इन में कितने होते हैं? ये जो है 11 होते हैं, ऑप्शन ही में नहीं है 11, तो इसी को हम डालेंगे, ठीक है। बास्केटबॉल जो है ये भी 16 का 18 हुआ है ना, ये 16 हुआ करता था, अभी 18 हो गया है। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होता है आपका 12, ठीक है। लेकिन प्ले इन में कितने होते हैं? इसमें ओनली 5 होते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हैंडबॉल टीम जो है टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हैंडबॉल टीम में जो है आपके इसमें भी 12 ही खिलाड़ी होंगे, यानी तीसरा आंसर सही हो जाएगा। और प्ले इन में कितने होते हैं सभी जानते हैं, हैंडबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। हैंडबॉल हो गया आपका, क्या बोलते हैं, जल यानी कि वाटर पोलो जो होता है ना, ये इसमें 7 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसे कबड्डी में होते हैं 7 प्ले इन में, तो ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो 7 7 प्ले होते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, और उसका मैं बना भी है, पुराने जो सॉल्ट पेपर है उसमें मैं डाल चुका हूँ। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने जो है आने वाले स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू नेक्स्ट अपडेट प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।